नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज हम एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारे सैनिक परेशान है तो हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क कैसे महान है। ये सवाल पूरे मुल्क के सामने खड़ा हो गया है क्योंकि आर्मी से लेकर बीएसएफ तक और एसएसबी से लेकर सीआरपीएफ तक हर तरफ जवानों का दर्द छलक कर हमारे सामने आ रहा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे दिल में जवानों के लिए खूब जज्बात भर जाते हैं, लेकिन यही जवान आज परेशान है। कोई जली रोटी का गम बता रहा है तो कोई सुविधाओं के लिए आवाज उठा रहा है। देश के लिए लड़ने वाले छोटी छोटी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आज एक बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं कि आखिर कौन है देश के रखवालों की बदहाली का बड़ा जिम्मेदार। आज इसी मुद्दे पर होगा निर्णायक और जबरदस्त आर पार, क्योंकि सैनिक अगर परेशान है तो हमारा भारतवर्ष कैसे महान है। देश के रक्षकों के दर्द की ये तीन तस्वीरें हैं। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के दर्द का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा था कि आर्मी के लांस नायक यज्ञ प्रताप और सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीत सिंह के वीडियो ने देश को हिला कर रख दिया। हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के वादियों में पड़ा रहता है, ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि एक आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या किसी अधिकारियों के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए उतावला हो जाता। सवाल उठता है कि क्या वतन के इन रखवालों को वाकई इनका हक नहीं मिल रहा। न हमारे लिए बच्चे के लिए कैंटीन, न हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आदमी के लिए है सुविधाएं, ये सब सुविधा होनी चाहिए इसी के इसी नौकरी में। इस पूरे मामले पर सीआरपीएफ ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। इसके बारे में पहले से ये तो नहीं, कोई बात नहीं कही है उन्होंने, जो पहले से बात हो रही उसी के बाद में उन्होंने बात किया है और उसके बारे में सबको जानकारी है। जिन मुद्दों को हमने सरकार के सामने लेके गए थे और बताया कि ये मुद्दे हैं, सेवन पे कमीशन में हमने उसके बारे में उठाया है। दो दिन पहले ही बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने घटिया खाने का मुद्दा उठाया था। तेज बहादुर का आरोप था कि खाने के नाम पर सैनिकों को जली हुई रोटी और घटिया दाल परोस दिया जाता है। हालांकि जवानों के दर्द पर प्रधानमंत्री कार्यालय एक्शन में आ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों सैनिकों के वीडियो पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। हमारे जवानों को, चाहे वो बॉर्डर में हो, कहीं भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड हो, उनका वेलफेयर के लिए सोचना हमारा दायित्व है और हमारा प्राथमिकता है। कोई मामले सामने में आए हैं तो हम लोग उसको गंभीरता से लेता है। लेकिन इस बीच बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी ने आरोप लगा दिया है कि उनके पति पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरे पे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि अपने माफी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले। तो सवाल यही है कि जिस देश में जय जवान का नारा बुलंद किया जाता है, उस देश में सैनिक इतने परेशान क्यों हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। सैनिक परेशान फिर कैसे? इस मुल्क में होगा जय जवान, सैनिकों के दर्द का विश्लेषण आज बताना जरूरी है। सुविधा से लड़ रहे हैं देश के, सुविधाओं से लड़ रहे हैं देश के रखवाले, सालों से दर्द छुपाकर बैठे हैं ये सैनिक। सैनिकों की भावनाओं को समझने की जरूरत है क्योंकि आप देखिए जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम 15 साल से ये सब भुगत रहे हैं। अगर जवान परेशान है तो ये देश महान कैसे है? पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मांगी है पूरे मामले की रिपोर्ट, लेकिन बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार दूर करेगी इन सैनिकों का दर्द? ये बड़ा गंभीर इस समय सवाल है और आज आर पार इसी विषय पर होगा। और मेरे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ वेटरन एक्टर शबाज खान साहब हैं इस समय पैनल में लाइव। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर जीजे सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ वीपीएस पवार साहब हैं जो कि रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ हैं। मेरे साथ इस डिबेट में शर्मिला यादव हैं जो कि
तेज बहादुर साहब की पत्नी है, वो मेरे साथ इस डिबेट में लाइव है, और मेरे साथ एसएसबी के एक ऐसे सैनिक लाइव होंगे, ऐसे जवान लाइव होंगे जो वीडियो के जरिए नहीं, आपको इसी स्क्रीन पर, इसी टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी आर पार में अपना दर्द लाइव बताएंगे, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं शर्मिला यादव आपसे, क्योंकि एक धमकी की बात भी आई कि धमकी मिल रही है और आपने एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड करा, उसको रिलीज भी करा। क्या कहना चाहती हैं? जब से दर्द बताया है तेज बहादुर ने, तब से दबाव बढ़ गया है या फिर आपको लगता है मामला कुछ और है? शर्मिला जी, हाँ जी, शर्मिला जी, हाँ जी, जब से तेज बहादुर साहब ने अपना दर्द बताया है तब से दबाव बढ़ गया है, हाँ जी, उनको कोई धमकी मिल रही है? हाँ जी, धमकी मिल रही है कि अपनी वो वापस ले ले और माफी मांग ले हमसे। कौन दे रहा धमकी? ये नहीं बताया, नाम नहीं बताया किसी का भी, पर उनको धमकाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मुझे धमकाया जा रहा है। नहीं, पर आपकी जब बात हुई, जो आपने बात रिकॉर्ड करी फिर उसको रिलीज भी करा, उस बातचीत में क्या बोला तेज बहादुर जी ने? जवान तेज बहादुर ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि मुझे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोला जा रहा है कि अपने कंप्लेंट वापस ले लो और माफी मांग लो, तो ये मामला यहीं मतलब सुलझा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी ये जो बातें हैं ये मीडिया तक पहुंचाओ और ताकि सरकार तक पहुंच सके, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं बता सकूं। आपने ये बातचीत रिकॉर्ड करी और आपने खुद ही रिलीज करी इस बातचीत को? हाँ हाँ जी, मैंने ही रिकॉर्ड किया इस बातचीत को। जी चलिए, और अब मैं रुक करता हूँ अपने बाकी पैनल का, आप हमारे साथ बने रहिए मैडम। और संबित पात्रा, राजीव त्यागी साहब, मामला आपके सामने है, आप दोनों के सामने है, अब आप थोड़ा होल्ड करिए अपनी ब्रेथ को, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ पवार साहब के पास जाना चाहता हूं। पवार साहब, जो बात आज जीत ने कही वो बात कई सालों से दबी हुई थी सीआरपीएफ के अंदर, क्या सही कहा? जो कांस्टेबल जीत सिंह ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, उसमें कोई गलत बात उसने नहीं कही है। और दो साल तो पहले मैं इन दी कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एक्सीपीएमए पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें मैं गवर्नमेंट को लिख के दे चुका हूँ। मैंने ये भी लिखा कि ये बड़ी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, लेकिन किसी ने आज तक मेरे से तो कोई बात की नहीं है। मैंने होम मिनिस्टर को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, होम सेक्रेटरी के यहाँ भी मैं गया हूँ, सब जगह मैंने लिखा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जितनी बातें उसने कही है वो सब चीजें ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत ऊंचे दर्जे का डिस्क्रिमिनेशन। ओके, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं अब संबित पात्रा का। संबित पात्रा, बिना लाग लपेट के पहले तेज बहादुर का वीडियो, फिर जीत सिंह का वीडियो, और अब एक सैनिक का वीडियो भी आ गया है। चलिए हम उस सैनिक की वीडियो की ऑथेंटिसिटी में नहीं जाते, लेकिन ऑल सेड एंड डन, व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, ये जो आपका विषय है कि डिस्पैरिटी बिटवीन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये बहुत वर्षों का है। मैं 2010 का, 6 सितंबर 2010 का आउटलुक का एक आर्टिकल भी लेके बैठा हूँ जिसमें पूरे डिस्पैरिटी गिनाई गई थी कि दोनों के बीच डिस्पैरिटी है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ तो बता देता हूँ। ये अभी जो 7th पे कमीशन है, 11 अप्रैल 2016 को जो एम्पावर्ड कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसको रिकमेंड करते हुए आइटम नंबर 24 में सरकार ने यह लिखा है, CAPF पर्सनल फेस सिमिलर रिस्क एंड चैलेंजेस इन डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपेयर टू आर्मी पर्सनल। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट CAPF सर्विस पे एट पार विथ मिलिट्री सर्विस पे मे बी ग्रांटेड टू CAPF पर्सनल। मतलब ये जो डिस्पैरिटी है इसको खत्म की जाए, सरकार ने इसका पहल शुरू करते हुए 7th पे कमीशन से ये दरख्वास्त भी कर दिया है। और दूसरी बात है, मैं एक बड़ी बात यहां कहना चाहूंगा, देखिए एक्स ग्रेशिया को लेकर डिस्क्रिमिनेशंस काफी थे आर्मी में, देखिए दोनों एक ही तिरंगे में लपेट के आते थे, मगर एक्स ग्रेशिया अमाउंट दूसरे दिए जाते थे। सरकार ने इस पे तुरंत संज्ञान लेते हुए जब से हमारी सरकार आई, अब देखिए 1-1-2016 से ये नए रूल लाए गए,
कि अगर किसी भी पैरामिलिट्री जवान की मृत्यु होती है एक्सीडेंट के कारण, तो पहले 10 लाख दिए जाते थे, विगत 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसे 25 लाख किया है। पहले अगर टेररिस्ट के कारण या किसी भी ऐसे गतिविधि के कारण जो वार हो उसमें मृत्यु होती थी तो 15 लाख मिलते थे, अब हमारी सरकार ने 35 लाख किया है। ये आपने जीत की बात करी, लेकिन तेज बहादुर को धमकी मिल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो तेज बहादुर को धमकी मिल रही है, 20 सेकंड में उस पर भी जवाब दे दीजिए। उनकी पत्नी हमारे साथ बैठी हुई है लाइव इस समय, उनको तो धमकी मिल रही है कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, अफसर ही डाल रहे होंगे दबाव। पहले तो हाँ देखिए पहले तो मैं उनकी पत्नी को शर्मिला जी, मैं मेरे साथ जी न्यूज में भी थी, मैंने उनका वहां नमस्कार भी किया था, अभी भी नमस्कार करूंगा और कहूंगा कि आप निर्भीक रहिए, आप और आपके पति आपके बच्चों पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता है। देखिए आपके पति के विषय को बहुत संजीदे ढंग से लिया गया, तभी तो देश के गृहमंत्री राजनाथ जी ने जैसे ही वीडियो आया तुरंत उन्होंने जो है इंक्वायरी आरंभ की, बता रही है कि दबाव डाला जा रहा है, कोई आपका बाल भी नहीं बाका। बिल्कुल आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वो बता रही है कि दबाव डाला जा रहा है। अगर ये दबाव डाला जा रहा है तो अगर सच्चाई के लिए आवाज उठाने पर दबाव डाला जाएगा तो कोई सच्चाई को कैसे उजागर करेगा? दैट्स माय होल पॉइंट संबित पात्रा। देखिए चाहे वो शर्मिला जी के पति तेज बहादुर जी हों या बीएसएफ के अधिकारी भी हों, मैं दोनों के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं कराना चाहता। सही बात है, अगर तेज बहादुर जी पे कोई दबाव डाल रहा है तो इससे बुरी बात नहीं है, अगर उन्हें कोई मारने की धमकी दे रहा है तो इससे बुरी बात नहीं है, इसकी सरकार जरूर ख्याल करेगी। मगर अगर उनके ही ऑफिसर, देखिए बीएसएफ का कोई भी ऑफिसर, अगर मैं तो जानता नहीं हूँ कौन दबाव दे रहा है, मैं अगर बीएसएफ के अधीक्षक के खिलाफ कहूँ, डीजी के खिलाफ कहूँ, तो ये एक राजनीति के हिसाब से अच्छी बात नहीं होगी। अगर आर्मी के जनरल के खिलाफ कहूँ तो एक राजनेता के लिए अच्छी बात नहीं होगी, मैं उससे अपने आप को दूर रखूंगा। एक डिसिप्लिन तरीका होता है आर्मी में और बीएसएफ में, वो लोग जरूर इसका ध्यान रखते हुए काम करेंगे, मगर हमारे सरकार की तरफ से ये विषय बहुत सेंसिटिव है, कोई भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। ओके, मैं रुक करता हूं राजीव त्यागी का। राजीव त्यागी, जीत सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 20 सेकंड का समय आपके पास है। देखिए 20 सेकंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेस के उत्थान का समय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बेहतर सुविधाओं का समय देश में आ चुका है और वो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथ में है। और जिस तरह से गृह मंत्रालय के 50,000 करोड़ का बजट है इस वक्त भी, हालांकि उसमें बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसमें एसपीजी भी है, एनएसजी भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी से लेकर के अन्य बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो मेरा कहना इतना ही है कि इसमें निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जो जीत सिंह साहब ने प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों का जवाब होना चाहिए, इसमें कहीं कोई राय नहीं है, लेकिन किसी बड़े अधिकारी के टिप्पणी करने से मैं बिल्कुल बचूंगा, क्योंकि फोर्स का मामला है और ये निश्चित रूप से एक बहुत अनुशासन की प्रक्रिया होती है पूरी फोर्स में, उस अनुशासन की प्रक्रिया को देखते हुए मैं उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, राजनीतिक रूप से कोई वक्तव्य इस पर नहीं देना चाहता। जी मैं शहबाज खान का रुख करता हूं। शहबाज खान एक्टर हैं, कई फिल्मों में आ चुके हैं, कई सीरियल्स में आ चुके हैं। शहबाज खान, जरा राजीव जी का मैं साधुवाद कर दूं, राजीव जी ने आज बहुत मैच्योर तरीके से इसे हैंडल किया है जी। बहुत धन्यवाद राजीव जी, इस विषय को राजनीति इस पर नहीं करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शहबाज खान धन्यवाद। मैं शहबाज खान का रुख करता हूँ। शहबाज खान, एक बड़ा सवाल, एक गंभीर सवाल, जब ये वीडियो सामने आए हैं लगातार रो में तीन वीडियो सामने आए हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ और अब एक आर्मी का जवान, क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा देश कैसे महान अगर सैनिक परेशान? देखिए मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मुझे किसी बात में कोई इंटरेस्ट है। मैं जो भी बात करूंगा एक कॉमन मैन की हैसियत से, एक ऑन लुकर और एक भारतीय की हैसियत से करूंगा। नेपोलियन ने एक बात कही थी कि द आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, और यह बात हकीकत है। अब दुख इस बात का है कि किसी को इतने साल हमारी आजादी को हो गए हैं, आज भी अपना इशू दुनिया को बताने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ता है। मतलब लोगों को ये पता नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, मतलब उनका न्यूट्रिशन क्या है, किस कंडीशंस में वो लोग हैं, हमारी हमारी रक्षा कर रहे हैं, किस कंडीशंस में वो लोग काम कर रहे हैं, अनडिजायरेबल कंडीशंस में वो लोग 12-12 घंटे खड़े रह के काम करते हैं। मैंने खुद आर्मी बेसिस में जाके देखा है कि कितनी मेहनत से काम करते हैं और कितना, मतलब हमारी सारी सुरक्षा उन पर डिपेंड होती है।
और उनको खुद बोलना पड़ रहा है अपना That is my whole point, sir. उनको खुद बोलना पड़ रहा है तो और कह रहे हैं कि हम 15 साल से चुप बैठे हुए थे, हम 20 साल से चुप बैठे हुए हैं. क्या आपको लगता नहीं है इट इज हाई टाइम कि हम कह सकते हैं कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम कह सकते हैं इस विषय को राजनीति से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, लेकिन एक्शन तो होना चाहिए, एक्शन तो होना चाहिए, दैट इज द होल पॉइंट. और फिर धमकी भी मिलती है, अब आवाज कैसे उठाते हैं? राजनीति मत कीजिए आप, राजनीति तो कौन कौन बोल रहा है आपको राजनीति करने के लिए? राजनीति मत कीजिए, कम से कम उनके उनके वो इशू को एड्रेस तो कीजिए. मतलब होना तो बहुत पहले चाहिए था ये बात. अभी आप बाहर की फोर्सेस देखेंगे जैसे यूएस आर्मी या रशियन आर्मी, उनके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, इतने पर्क्स हैं, उनकी उनके जो स्पेशल टास्क फोर्सेस होते हैं उनके उनके लिए इतनी सुविधाएं हैं. हमारा ये हाल है, हमारी हमारे सैनिक इस हाल में है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन इस हाल में है. मतलब ये क्या हो रहा है, ये अच्छे दिन है क्या? मैं अब लाइव एसएसबी के उस जवान से बात करूंगा आपके सामने लाइव इस चैनल के ऊपर. कोई वीडियो नहीं होगा, वो लाइव बताएंगे अपनी आप बीती और ये सुनना जरूरी है. एंड बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस प्लीज लिसन टू इट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक जवान की आप बीती को मैं सुनाऊंगा, कोई वीडियो नहीं, लाइव सुनिए. आपका नाम मैं नहीं ले रहा, जवान साहब आप बताइए कहानी क्या है, बताइए इस देश की जनता को कहानी क्या है. आवाज नहीं आ रही आपके पास? मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूं, आपके पास आवाज अब आ रही है? आवाज बताइए कहानी क्या है, आप बताइए. जयंत सर जी, जयंत एंड नोबडी विल इंटरवीन, बताइए सर. मैं सशस्त्र सीमा, ओके सर, मैं सशस्त्र सीमा बल का जवान हूँ सर. हमारे जवान बॉर्डर पे बहुत मुश्किल परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, और बॉर्डर पे ड्यूटी तो करते हैं लेकिन देश की सीमा की रक्षा हम रात दिन करते रहेंगे. हमारे लिए खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बीएसएफ के जवान ने आज वीडियो के अंदर जो अपनी हकीकत बताई है वो सही है जी. खाना खराब मिलता है आप लोगों को? कैसा खाना मिलता है? सर जी, बीएसएफ के जवान ने जो वीडियो वायरल किया है उसमें जली हुई रोटी दिखाई है वो सही है. दाल जो है पीला कलर का दाल, और जो दाल दिखाई है पानी, वो वैसी ही दाल भी जवानों को. आप बीएसएफ की बार बार बात कर रहे हैं, मैं एसएसबी को ही, एसएसबी की बात बताइए. हाँ, एसएसबी के हर जवान को बॉर्डर आउटपोस्ट पे खाना इतना स्टैंडर्ड जो होता है वो नहीं मिलता है, इसी तरह जली हुई रोटी ही मिलती है. और जब आप शिकायत करते हैं तो क्या पलट के जवाब आता है अफसरों द्वारा? सर जब हम लोग शिकायत करने के लिए कहीं नहीं जाते, सिर्फ अफसर के पास जाते हैं. अफसर के पास जाते तो अफसर हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई करता है, अनुशासनहीन अनडिसिप्लिन बोला जाता है हमको, तो हम बोलेंगे हमारी बात तो बोलेंगे किसको सर? ओके 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 ओके, वी गॉट योर पॉइंट, वी गॉट योर पॉइंट. जीजे सिंह साहब, ये लाइव आप बीती थी, ये लाइव आप बीती थी. राजीव त्यागी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, राजीव त्यागी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जीजे सिंह मैं आ रहा हूं आपके पास, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अमीश जी, मैं बिल्कुल एक बात से बहुत मुतमईन हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनके लिए और बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं वहाँ पे ऑफिसर्स लेवल के लोगों के लिए हैं, क्योंकि आईपीएस वगैरह सब रहते हैं उसमें, तो उनके लिए तो बहुत सुविधाएं हैं. नहीं, फिर एक बात बताइए, अभी आपको पैरा मिलिट्री फोर्सेस का बहुत दर्द हो रहा है, 2004 में सीआरपीएफ की पेंशन की सुविधा आपने क्यों हटाई? आप ही की सरकार ने हटाई थी ना वो, अभी आपको काफी दर्द हो रहा है. देखिए, मैं इस विषय का कोई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं. मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं
जो पिछले 2 साल में हुआ है, कहिए तो मैं गिना दूं। अगर आप टाइम दें, अगर आप बीच में ना इंटरप्ट करें फिर मैं गिनाना शुरू करूं। अगर आप इंटरप्ट ना करें तो मेरे को बहुत सारे आंकड़े हैं। नहीं नहीं, माय डियर फ्रेंड, देखिए सुनिए, सीआरपीएफ की पेंशन आपने हटाई थी ना, यूपीए की सरकार ने हटाई थी ना, कि नहीं हटाई थी? हर चीज पे आप सवाल पूछ सकते हैं। और मेरे सवाल को भी भूल जाइए, आज जीत सिंह के सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग सवाल का जवाब नहीं आप लोगों के पास। अब आप लिस्ट लेके बैठेंगे 2014 से 2017 तक की लिस्ट गिनाएंगे आप? मैं गिना देता हूं आपको लिस्ट, आप जवाब दीजिए। सर आज मैं आप लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगा, जवाब भी सुने। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगा, आईना लेके सामने बैठा हूं मैं। आईना लेके सामने बैठा हूं आप लोगों को पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि इसमें सेंसेशन क्रिएट हो जिससे टीआरपी बढ़े। आप भी कुछ चाहते हैं, आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप टीआरपी क्रिएट करना चाहते हैं। राजीव जी, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका मैं सम्मान करता हूं, सैनिकों का मामला। When you are not में न्यूज एटीन इंडिया में हम टीआरपी के लिए नहीं उठाते, इस देश के लिए उठाते हैं। टीआरपी बेशक जीरो है, आई डोंट माइंड इट, डोंट डेयर टू से दैट। जवानों की पीड़ा पे डोंट डेयर टू से दैट चाहते हैं, तो ये तो होगा ही होगा, जवाब ले लीजिए ना फिर। नहीं सर, आप इन तमाम सवालों से जीत सिंह को अपमानित कर रहे हैं, इस देश के जवानों को अपमानित कर रहे हैं। ये बात बोलकर अपमानित आप कर रहे हैं, अपमानित आप कर रहे हैं, अगर जवाब नहीं ले रहे हैं आप। मैं खुद संबद्ध कर रहा हूं अपने आप को जवानों से, और मैं कहता हूं जवानों की पीड़ा के साथ मैं संबद्ध हूं। मैं चाहता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को शहादत का दर्जा मिले। मैं चाहता हूं कि जितनी भी पुलिस फोर्स है पूरे देश की, उसको बेहतर सुविधाएं मिले। वही तो मैंने पूछा, 2004 में आपने क्यों नहीं करा, क्यों आपने पेंशन हटाई? वही सवाल मैंने पूछा, उसका जवाब नहीं है आपके पास। अब मैं आता हूँ संबित पात्रा के पास। ओके ओके ओके, मेरे पॉइंट वो सुन लीजिए। राजीव जी, मैं आपके पास आता हूँ। जीजे सिंह वेट कर रहे हैं, मैं स्वागत करूंगा। अगर आप कांग्रेस के साथ एजेंडा चलाना चाहते हैं, चलाइए, हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप अगर आप हमारे विरोधी की दल की तरह रहना चाहते हो तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे मैं पॉइंट रख रहा हूँ आपको, प्रजातांत्रिक लोग भागे हैं, हम तो प्रधानमंत्री लोग भागे, हम आपकी आलोचना सहन करेंगे। अरे जनाब, आपको तो पूरा देश अपने खिलाफ दिखता है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आपको तो पूरा मुल्क आपको अपने खिलाफ दिखता है। ओके जी, आप भी बढ़ाइए आप अपने जी। ओके ओके, आप कुछ भी बोलिए, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। योर ऑडियंस डाउन नाउ। जीजे सिंह, जो बात एसएसबी के जवान ने बोली कि हाँ उनको खाना खराब मिलता है, सीआरपीएफ के जवान ने बोला कि हमको आर्मी की तुलना में कम सुविधाएं मिलती हैं। लड़ाई तो वो भी उतनी बड़ी लड़ते हैं, नक्सल से तो सीआरपीएफ ही लड़ती है, चुनाव इस मुल्क में सीआरपीएफ ही कराती है, फिर सुविधाओं में फर्क क्यों? बीएसएफ इस देश के बॉर्डर को गार्ड करती है, पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराती है, तो फिर फर्क क्यों? ये मेरा मूल सवाल है। क्या समय आ चुका है सब कुछ बराबरी का? देखिए अमीश जी, सब देखिए अमीश जी, जमाना बदल चुका है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का मामला नहीं है, ये मामला हमारी आन शान बान का है, हमारे जवानों का है, ये डिफेंस का मामला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पुराना मुद्दा है, 1911 में रिकमेंडेशन हुई थी ऑर्डर जनरल की, जो हमारे रक्षा मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रोएक्टिव, जो हमारी डिफेंस सर्विसेज के लिए बहुत ही काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और एक डिजिटल इंडिया के अंदर आज कोई भी बात हमारे जवानों से छुपी नहीं रहती, इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, इन्फो टेक्नोलॉजी की वजह से वो अप टू डेट रहते हैं। पॉइंट पे आइए, क्या बराबरी का समय होता है कि उनका हक क्या है, उनको मालूम होता है उनके पक्ष बेनिफिट क्या है। तो मैं कहता हूं कि जैसे तेज बहादुर यादव आगे आए हैं, मैं समझता हूं कि सच्चा ईमानदार वो जवान है, वो एक अपराइट पर्सन है जिसने खुल के बताया कि हमें ये मिल रहा है, ये एक दबा हुआ मामला उभरा है, हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, हमें इसे पॉजिटिव माइंड के साथ रिजॉल्व करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स नहीं खड़ा करना चाहिए। वही ये बात है, क्या संगीन मामला क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी के लिए आर्मी के बराबर का दर्जा नहीं तो सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, यह बड़ी बात है। और ब्रेक के बाद मैं 26 जनवरी के बारे में एक बड़ी बात आपको बताऊंगा, और संबित पात्रा सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहे। एक अंतराल, लेकिन अंतराल के बाद इस देश के सैनिकों के हक की बात आर पार बिना किसी लाग लपेट के
बिना किसी डर के डंके की चोट पर उठाएगा और जुड़िए इस मुहिम के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम लोग। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और आज देश के लिए भावुक टॉपिक है। यह देश का वो टॉपिक है जिसमें जवानों के ऊपर कई जवानों ने कई सवाल खड़े करे और मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। 1974 के बाद बीएसएफ पहली बार 26 जनवरी को हिस्सा नहीं लेगी और 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेना किसी भी फोर्स के लिए बहुत गर्व की बात होती है। ये 1974 के बाद पहली बार 2017 में होने जा रहा है, क्यों? नहीं देखिए, ये एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो सशस्त्र बल होते हैं उनको अपना अपना प्रदर्शन करना होता है। हर वर्ष इसमें इजाफा भी हो रहा है, इसमें कुछ मिसाइल्स ऐड हो रही हैं, कुछ टेबलॉइड्स ऐड हो रही हैं, नए फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसी टाइम में एक रोटेटरी बेसिस पे बाकी मिसाइल्स और बाकी जो बल हैं वो भी अपनी टेबलॉइड को दिखा सके। शायद इसलिए उसको कौन मना कर रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार से इसमें कोई राजनीति करेगा? ना हम करेंगे ना कोई और सरकार करेगी। बीएसएफ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बिना हम अधूरे हैं। तो आपको देखिए, ये एक विषय, नए मिसाइल्स आए हैं उनको भी प्रदर्शित करना है, नए फोर्सेस जोड़े गए हैं उनको भी आना है, टाइम वही है। मेरा पॉइंट ये सर कि एक डिस्पैरिटी है। मैं पवार साहब का रुख करता हूं, पवार साहब इस पर और रोशनी डालेंगे। पवार साहब, मैं सेंट्रल सीआरपीएफ को तो पैरामिलिट्री फोर्स मानती है सरकार, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक ये अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ नहीं। इनको किसी ये को कोई सीआरपीएफ है नहीं, ये दोनों मुझे लगता है, मैं पात्रा जी का भी बहुत आदर करता हूँ, कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं उनका भी आदर करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम इनको ये मालूम है या नहीं है कि इनको किसी को भी पैरामिलिट्री फोर्स गवर्नमेंट मानती नहीं है। ये आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है। मुझे बताइए, आर्म्ड पुलिस फोर्सेज कैसे? पुलिस तो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड पुलिस कैसे रख सकती है? ये नाम चेंज कर दिया गया गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, 4-5 साल पहले। पहले पैरामिलिट्री कहते थे इनको सबको। हमारे रूल में लिखा हुआ है सीआरपी के कि इनकी फॉर्मेशन में बटालियन और कंपनी का वही मतलब होगा। अगर एक 26-27 साल का जवान शहीद हो जाता है, वो ट्रेनिंग करके अगर छत्तीसगढ़ में गया, अगर मर गया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। नहीं, शहीद का दर्जा भी नहीं है, एक्स आर्मी की फैसिलिटी भी नहीं है। हमने कितने साल से मैं लिख रहा हूं, मैं सबको जाके मिल चुका हूं, सबको बात की है, ये के साथ दूसरी फोर्स कौन फोर्स जुड़ रही है? ये इतनी पुरानी फोर्सेज हैं, इनको आप हटा देंगे, दूसरी को लाएंगे, कैमल कंटिजेंट आता है, ये आता है, इनको किस लिए हटाया जाए? ये सारे देश को गार्ड आर्मी के आगे डिप्लॉयड है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आती है। मैं इसके अंदर आप इनको बताना चाहता हूं कि ये जो सीआरपीएफ, जो बीएसएफ, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज कहते हैं, ये होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, और दूसरी साइड पे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर चले जाती है। जानकारी तो है, ये नई बात नहीं है, प्रॉब्लम है इसको, ये गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट को इसको रिजॉल्व करना चाहिए, और जो फैसिलिटीज अगर वो बढ़ाना चाहते तो होम मिनिस्ट्री को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इसके साथ हम ये दोनों को जोड़ नहीं सकते। मैं श्री जे जे सिंह को करेक्ट कर दूं, शायद इनको पता नहीं है, गवर्नमेंट का एक रूल है 1979 का, जिसमें इनको पैरामिलिट्री फोर्स कहा गया है, जहां इनको एक्स सर्विसमैन कहा गया है वहीं इनको पैरामिलिट्री फोर्स कहा गया है, और ये 1979 से है, ये उस रूल को बगैर देखे हुए चेंज कर दिया गया। ओके ओके, ये रूल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव त्यागी, पवार साहब को अब आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि आपने, जब मैंने 2004 का पॉइंट उठाया, आपने बोल दिया नहीं नहीं आप राजनीति मत करिए इसके अंदर। अब आपके सामने है, आप पैरामिलिट्री फोर्स, आप खुद बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनको तो आप लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस से बाहर करा, आपने इनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में करार कर दिया। अगर एक 25 साल का जवान मर जाए बॉर्डर के ऊपर नक्सलों से लोहा लेते हुए, वो शहीद हो जाए, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, ही विल बी लाइक अ नॉर्मल सिविलियन। आपके सामने बात है, और अब संबित पात्रा साहब की सरकार है, यानी मोदी सरकार है, अब उनको इसको दुरुस्त करना है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए,
आप दोनों सेटल कर लीजिए, कौन ठीक करेगा? कर लिया हो तो मैं जवाब दे दूं। बताइए बताइए राजीव जी, भाषण अगर पूरा हो गया तो मैं जवाब दे दूं। आप बात रखिए अपनी, है ना। 2016-17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50,176 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा हुआ है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, जो कि हमने, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीपी, एसपीजी और विभिन्न जो संस्थाएं जो काम कर रही है पूरे देश में, और फोर्स का जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनका बजट है 2,33,340 करोड़ रुपए का। हालांकि बजट में बहुत अंतर है और निश्चित रूप से आंतरिक सुरक्षा सारी जो है इनके हाथ में है, चाहे वो असम राइफल हो, चाहे वो पवार साहब कुछ कह रहे हैं। मैंने आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं राजीव जी से बड़े आदर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इनको आर्म्ड फोर्सेस मानते हैं या नहीं है? आपको शायद पता नहीं होगा, इनको आर्म्ड फोर्सेस नहीं माना जाता, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस माना जाता है। वही मैं उनको बता रहा हूँ, इनको आर्म्ड फोर्सेस का दर्जा ही नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए इनको सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। आपकी जो बात है, देखिए सुनिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चैनल पर डिक्लेयर करना चाहूंगा एक बात, अगर आप अलाउ करेंगे तो मुझे डिक्लेयर करने दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पक्षधर हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस का, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीडीपी, जितनी भी फोर्सेज है, चाहे वो एसपीजी हो, चाहे और फोर्सेज हो, असम राइफल हो, इनको निश्चित रूप से पैरिटी विद गवर्नमेंट की, आर्म फोर्सेज की पैरिटी के साथ सुविधाएं मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से इनका जवान जब नक्सलवाद से शहीद होता है उसको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, इसमें कहीं को दो राय नहीं है, लेकिन देश में काम हो सकता है और वो डिस्कशन से ही दूर होगा। लेकिन इस तरह से देखिए फोर्स के विषय में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, और राजनीतिक रूप से फोर्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती कांग्रेस, लेकिन फैक्ट्स को तो सही तरीके से देखिए ना, देश आजाद हुए तो 67 साल हो गए, आज तक नहीं डिसाइड कर सके। जोर जोर से बोलने से, देखिए जोर जोर से बोलने से या बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम तो राजनीतिक प्रक्रिया से सॉल्व होगी। और हम आग्रह करना चाहेंगे, हम आग्रह करना चाहेंगे, एक फैक्ट रखना चाहता हूँ सुनिए फैक्ट ये है सर, रखना चाहता हूँ 2004 में 42 में डाल दिया गया, सभी सच्चाई ये है, सभी सुन लेंगे प्लीज, को भी आईटीबीपी को सुन लेंगे प्लीज। अभी चलिए अभी कभी की दिक्कत क्या आई है, फोर्सेज के लिए बनने थे और साथ साथ बैरक्स बनने थे, मैं उसी को बता रहा हूँ, और अभी बने 898 में। सरकार से आग्रह चले जाते हैं, बैरक्स सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार आईटीबी के जवानों को, इन सब जवानों को बेहतर सुविधा के लिए कार्य करें। संबित पात्रा 33% लोग रिटायर चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर छत देखे सर्विस में। संबित पात्रा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिपोर्ट मंगवाई है, तो वही तो मैंने उठाया आपको। एक्शन कब होगा, चीजें दुरुस्त कब होंगी, बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ सबसे बड़ी बात है, एक ही महिला बैठी है और वह भी बहुत साहसी महिला बैठी है, शर्मिला जी बैठी है। शर्मिला जी आज सरकार पे, उनके पति भी आज सरकार पे विश्वास करते हैं, वीडियो डालकर मोदी जी से गुहार इसलिए किया है कि पता है उनको कि सरकार काम कर रही है। ओआरओपी इतने वर्षों से, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहूंगा और धन्यवाद भी करूंगा राजीव जी का कि उन्होंने राजनीति नहीं की, मगर एक बहुत वर्षों से हमारी भी सरकार बीच में रही, मगर उसके बावजूद ओआरओपी पूरी नहीं हुई थी, हमने ओआरओपी भी दिया, तो हमारे जहन में किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है। आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हम काम कर सके, इसी मनोभाव से काम कर रहे हैं। आपने सही कहा, अगर 25 साल का एक नवयुवक अगर LWE मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का शिकार होता है तो क्या होगा उसका? आपने सही कहा, इसीलिए मैं कागज भी लेकर आया हूं। आपको बीच में टोक रहा हूं, पवार साहब कुछ कह रहे हैं, आपने तो पेंशन ही नहीं दी है, तो आप वन रैंक वन पेंशन कहां से देंगे? आपने तो पैरामिलिट्री के लिए पेंशन ही हटा दिया, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन में है, उनको पेंशन मिलती नहीं है, तो वन रैंक वन पेंशन कहां से मिलेगी? पैरामिलिट्री सर्विस पे नहीं है, एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं है। मैं इसका भी उत्तर, जो आदमी देश के लिए जान देता है वो बोलते हैं, आपने तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया गवर्नमेंट ने कि हमने डेफिनेशन नहीं बताई है बनाई है, जो आदमी देश के लिए जान देगा वो क्या डेफिनेशन देखेगा पहले? मैं इसका उसके पास जान है उसने काम है देखने का। मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप देखिए, नंबर वन आपने कहा 25 साल के युवक का, आप देखिए क्लॉज सी जो दिया है एक्स ग्रेशिया में, जो कि 1 तारीख 2016 से लागू है, उसमें जो पहले दिया जाता था 15 लाख, उसको बढ़ा के 35 लाख किया है। पैसे से किसी आर्मी के जवान था पात्रा जी, पहले भी सबके लिए बराबर था, आपको शायद पता नहीं, पहले सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना ही था, लेकिन शहीद का दर्जा अलग बात है। 15 लाख था, 35 लाख किया हमने ना,
पात्रा जी मेरी बात सुनिए, देखिए 15 लाख था 35 जो किया, शहीद का दर्जा है आप उसमें पैसे की बात नहीं होती है। सुन लीजिए, ये एक स्टेटस की बात है। आपने 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 जो सवाल पूछा है मैं जवाब दे रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। 30 सेकंड उसका भी जवाब दे रहा हूँ साहब। गंभीर सवाल है पवार साहब के। धन्यवाद कि आपने माना, आपने माना कि पैसा बढ़ाया गया है। और दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि पैरिटी, पैरिटी का मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि सेवेंथ पे कमीशन में सरकार ने मांग की है पैरिटी बढ़ाने की। इतने वर्षों से पेंशन हमने नहीं खत्म की। पेंशन 2004 में न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में एंड हुआ। सही बात है कि आर्मी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही आ रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको अभी सीएपीएफ हम कह रहे थे, सीएपीएफ न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आ रही है जिसमें कि उनको अपना ही पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 60%। वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उससे निकालते हैं, 40 जो है वो प्रोविडेंट उसमें जाते हैं। तो इसको भी चेंज करने के लिए सेवेंथ पे कमीशन में रिकमेंडेशन दिया है। पवार साहब आप बताइए, हमने रिकमेंडेशन दिया है या नहीं दिया है? सम्मान कहना चाहूंगा, रिकमेंडेशन जी, जो पे कमीशन है वो रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। आप क्या रिकमेंड उनको करेंगे? वो तो आपको रिकमेंड करते हैं, आपको उस पर डिसीजन लेना है। उन्होंने तो रिकमेंड ये भी किया इनके ऑफिसर्स को ऊपर तक जाने दिया जाए, हमने कोर्ट से जाके केस जीता के साहब इनको एनएफयू मिलना चाहिए ऑन द लाइन्स ऑफ आईएएस जो सबको मिलता है, आईपीएस और ऐसा को, वो भी आप कोर्ट में चले गए सुप्रीम कोर्ट में, हम हाई कोर्ट से डबल बेंच से जजमेंट लेके आए। तो ये आपकी कुछ गंभीर बातें हैं निश्चित तौर पर। मेरे साथ शहबाज खान है। शहबाज खान, आपने उस महिला को भी सुना जिसका जिसके पति ने तेज बहादुर यादव साहब ने जिन्होंने पहला वीडियो डाला और उसके बाद हम लाइव एक जवान को लेकर आए एसएसबी के जिसने अपनी आप बीती बताई। क्या कहते हैं आप? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, सब कहते हैं हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन गाये बगाये ऊपर नीचे से राजनीति कैसे करते हैं? मैं सब यही देख रहा हूं मैं सब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं यही सब हमारे महानुभाव जो बातें कर रहे हैं ये सब देख रहा था मैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि भाई हमारा देश एक बहुत महान देश है, इसको हर चीज़ को हम लोगों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कई जगहों पे, कई जगहें ऐसी होती हैं कि हमको पॉलिटिक्स से ऊपर चढ़ के बात करनी चाहिए, हट परे हट के बात करनी चाहिए। ये एक ऐसा इशू है और ऐसे बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो सियासतदान हैं और जो जो हमारे ये हर चीज़ को एक ऐसा रंग दे देते हैं, एक ऐसा रूप दे देते हैं कि वो लगने लगता है एक पॉलिटिकल इशू और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप सिंपली तरीके से कि हमने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, कि बजाय आप इस इशू को सॉल्व करने के, मतलब हम बातें कब तक सुने? बातें तो सुन सुन के हम लोग थक गए हैं, अब हम एक्शन देखना चाहते हैं। अब एक्शन देखना चाहते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने, लाख टके की एक बात बोली, हम एक्शन देखना चाहते हैं। और ब्रेक के बाद कंक्लूजन में आप सुनिएगा, निष्कर्ष में सुनिएगा कि एक्शन क्या हो सकता है और क्यों होना चाहिए। ब्रेक के बाद आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और अब निष्कर्ष, जब सीमा पर, जब चुनौतियों के सामने कोई जवान सामने खड़ा होता है और अपनी शहादत दे देता है तो वो ये नहीं पूछता कि मेरी पेंशन कितनी है, मेरे को शहीद का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा। वो देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर देता है, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे वो 26 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे वो 45 साल का हो, वो अपनी उम्र भी नहीं देखता। वो देखता है तो सिर्फ अपने देश के तिरंगे को कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे अपनी जान की बाजी लगा देनी है देश की रक्षा, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो बॉर्डर पर हो, मुझे देश की रक्षा करनी है। तो फिर हमारी तमाम सरकारें क्यों फर्क करती हैं उनकी शहादत में? किसी की शहादत इतनी ऊपर तो किसी की शहादत नीचे, क्यों? आज का कंक्लूजन यही कहता है, आज का निष्कर्ष यही कहता है, शहीद शहीद होता है, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, चाहे वो आईटीबीपी का हो, वो किसी का भी हो, शहीद शहीद होता है। और देश महान जब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश का जवान परेशान होगा। आज आर पार का निष्कर्ष यही कहता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए
न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार।